हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुखारी टी10 लीग के जो कि मैच होगा यहाँ से इंटर ग्लोब मेरिन वर्सेस द विजन शिपिंग के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते बाद लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते बाद कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको पॉन्डुचेरी वुमन टी10 के वीडियोज मिल जाएंगे, साथ ही में आपको यहाँ से ECS टी10 के वीडियोज मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में यहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है। इनके अगर लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच यहाँ से टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाता है। तो टाइमिंग यहाँ से 11:30 पर रात को यहाँ से शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ से बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बहुत ही अच्छे रन्स बनते हैं और यहाँ से एवरेज स्कोर की बात करें तो 110 के प्लस आराम से स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन शुरुआत में अंदर यहाँ से पेशर्स को हेल्प मिल सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। बाकी चेजिंग रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मैचेस खेले गए, जिसमें से 5 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती, 3 बार यहाँ से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती। लेकिन यहाँ से 9:30 वाली मैच की बात करें तो वहाँ पर टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने फैसला लिया, यानी कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली हुई है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर चलना है कि टीम के निर्णय कभी भी बदल सकते हैं। तो बात करते हैं ऐसे टीम IGEM की, तो ये भाई ये तो सुपरस्टार टीम है, इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है। यहाँ से लास्ट मैच खेली और जीत के आ रही। बाकी ओपनिंग की बात करो तो लास्ट मैच में मैंने पहले बताया था कि अमित खान और संदीप सिंह दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं, तो दोनों ही लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग किए और दोनों ही इंपॉर्टेंस रहने वाले हमारे लिए। इवन यहाँ से यासिर कलीम भी रिसेंटली काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो इनको भी लेके जाएंगे। तो संदीप सिंह की बात करो तो यहाँ से बैटिंग से आप देख सकते हो 28 मैच के अंदर करीबन 26 के एवरेज से 568 रन है, और ओवर से ज्यादा कुछ यहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं रखें क्योंकि ये ज्यादातर यहाँ से विकेट कीपिंग करवाते हैं। तो लास्ट मैच के अंदर 31 रन की एक बढ़िया पारी खेली, तो एक बार फिर से हम लोग इनको लेके जाएंगे। बाकी अमित खान को भी अभी ट्राई कर सकते हो, बैटिंग सेक्शन से एक अच्छी चॉइस मिलने वाली है। यासिर कलीम लास्ट मैच के अंदर 18 रन किए, लेकिन रिसेंटली काफी अच्छा फॉर्म चल रहा है, तो कभी ना कभी एक आधी मैच के अंदर यहाँ से 40-50 रन मारता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे यासिर कलीम भी आपकी टीम के अंदर डेफिनेटली रहना चाहिए। बाकी ऐसे विष्णु सुकुमारगन को अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इनके लिए पूरी बुखारी टी20 खराब गई, यानी कि पूरी टूर्नामेंट इनकी खराब गई, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। और यहाँ तक भी लास्ट मैच में भी खेले जहाँ पर 9 रन ही किए, तो इनको डिफरेंशियल वे में ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। हालांकि ऐसे आप शाहनवाज खान को लेके जा सकते हो, लास्ट मैच के अंदर इस बंदे ने ओवर्स नहीं करे, लेकिन कभी भी ऐसे और एक दो ओवर्स करवा सकता है। ऐसे शाहनवाज खान ओवर्स भी करा सकते हैं, इवन बैटिंग करने का मौका मिला तो ऐसे बैटिंग से भी तगड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि ये भाई साहब भी अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे, तो एज अ प्लेयर यहाँ से इनको डेफिनेटली आप लोग ट्राई करिएगा, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहा है। हालांकि इनको लेके जाना थोड़ा बहुत रिस्की तो रहेगा, लेकिन इनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। तो की रियासत तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। लास्ट मैच के अंदर हमारे वाइस कैप्टन रहे थे, जहाँ पर उन्होंने एक विकेट भी निकाली थी। इवन बैटिंग करने का भी जब भी मौका मिलेगा तब यहाँ से तगड़ी बैटिंग भी कर सकता है। हर एक मैच के अंदर लगभग आपको एक दो विकेट लेता हुआ नजर आएगा, इनके बाद इवन डेथ ओवर्स वगैरह में भी गेंदबाजी के लिए आता है। हजरत लुकमान ने लास्ट मैच के अंदर विकेट नहीं निकाली, लेकिन ये भाई साहब काफ़ी अनुभवी हैं, यहाँ से इंटरनेशनल मैचेस वगैरह खेल चुके और काफ़ी अनुभव है इनके पास, तो ऐसे अनुभव का फायदा उठाते हुए यहाँ से कभी भी इनकी तरफ से बड़ा परफॉर्मेंस आ सकता है, तो इनको डिफरेंशियल वे में जरूर ट्राई करना है। बाकी आसिफ मुमताज ने लास्ट मैच के अंदर एक ओवर्स नहीं किए। देखो इनका क्या है ना, ये रेगुलर बेसिस पर ऐसा ही करते हैं, कभी कभी ओवर्स डालते हैं, कभी कभी ओवर्स नहीं डालते, लेकिन जब भी ओवर्स डालते हैं तब एक दो विकेट जरूर निकालते हैं, तो इनको ड्रॉप करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहेगा। लेकिन इनको अभी के लिए देखो ओवर्स नहीं करवाएंगे तो ऐसे हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, और अगर ओवर्स करवाएंगे तो ऐसे एक दो विकेट जरूर निकालेंगे। तो आप ही कोई सजेशन लेना है कि इनको लेना है कि नहीं लेना है। बाकी ऑलरेडी और भी ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि ये इस लेवल का प्लेयर है जो कि कभी भी 2-3 विकेट भी ऐसे टी10 वगैरह में भी निकाल सकता है। मोहम्मद जाहिद ने लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाली, एक बार पीछे लेके जा सकते हो। ऐसे हैरी भरवाल को ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ से बात करूँ अताउल्लाह की, तो ये बंदा ही उस लेवल का है जो कि कभी भी ऐसे 1-2-3 विकेट भी निकाल सकता है, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक की नज़र इनके ऊपर होने वाली नहीं है। तो यहाँ से अगर यहाँ से 1-2 विकेट निकाल लेता है तो यहाँ से 1-sided विनिंग भी करवा सकता है, तो इनको डिफरेंशियल वे में जरूर ट्राई करना। वैसे प्लेयर्स काफ़ी अच्छा है और कभी ना कभी यहाँ से 2-3 विकेट एक साथ में लेता हुआ नजर आएगा आपको, तो ऐसे इनको जरूर ट्राई करेगा। इवन मैं खुद अपनी स्मॉल लीग की टीम के अंदर उनको लेके जा सकता हूँ, क्योंकि
मुझे पर्सनली ये प्लेयर्स काफ़ी अच्छा लगता है। राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी, ऐसे डेथ ओवर्स वगैरह में भी इनके खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बात करें ऐसे बेंच की, तो बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो आइए चलिए बात करते हैं ऐसे टीम TVS की, तो एक मैच खेली और जीत के आ रही है, तो दोनों ही टीम अपनी पहली मैच जीत के आ रही है। अभी ओपनिंग की बात करें तो ऐसे शाकिब महमूद और ऐसे मोहम्मद नदीम, देखो मोहम्मद नदीम ने लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से भी कुछ नहीं किया, ओवर्स से भी यानी कि बॉलिंग से भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन बहुत ही बड़ा यहां से परफॉर्मेंस आ सकता है इनकी तरफ से, क्योंकि इनका दो तीन यहाँ से सीरीज से मैं इनको फॉलो करता हुआ रहा हूँ, यहाँ से शारजा CBFS T20 हो, या फिर यहाँ से शारजा रमजान T20 हो, शारजा रमजान D10 हो, या फिर यहाँ से बुखारी T20 या फिर एमिरेट्स D20, सारे एक मैच के अंदर इस भाई साहब ने हर एक टूर्नामेंट में अपने झंडे गाड़े, तो एक बार फिर से आप लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। इवन मेरे टीम के यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन भी यहाँ से मोहम्मद नदीम रह सकते हैं। बात करें ऐसे शाकिब महमूद की, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा लास्ट मैच के अंदर, दो ओवर की गेंदबाजी की, हालांकि विकेट नहीं मिले, और हर एक मैच के अंदर ये भाई साहब ओपनिंग भी करेंगे, दो ओवर पूरी भी करवाएंगे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हो, इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अली आबिद डेफिनेटली बैटिंग सेक्शन से आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए, हर एक मैच के अंदर इनकी तरफ से बैटिंग से धाकड़ परफॉर्मेंस आ सकता है। जवाद गनी, तो ये थोड़े से अल्ट्रा लेजेंड प्लेयर है, क्योंकि इनकी तरफ से जब भी परफॉर्मेंस आता है तब यहाँ से 60-70 रन भी मार के दे सकते हैं आपको T10 वगैरह में भी, इवन यहाँ से बॉलिंग करेंगे तो यहाँ से 2-3 विकेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इनसे बॉलिंग करवाई नहीं गई और बैटिंग से ये कुछ कर नहीं पा रहे। हालांकि रिसेंटली परफॉर्मेंस की बात करो तो इन्होंने 66 रन की पारी यहां से बुखारी T20 में खेली थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हो, इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी शाहबाज अली आपकी टीम के अंदर डेफिनेटली रहना चाहिए, इनके ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हो, यहाँ से कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप का रिस्क लेना चाहो तो शाहबाज अली के ऊपर ले सकते हो। बाकी उबैदुल्ला मोहम्मद की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर 18 रन की पारी खेली, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे, हालांकि ओवर्स भी करवा सकते हैं, तो इनको भी डिफरेंशियल वे में ट्राई करना है। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो ऐसे इराद अली और फारूक मोहम्मद दोनों ही अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन दोनों को ही लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं मिली, इवन यहाँ से फारूक मोहम्मद ने तो एक ही ओवर की गेंदबाजी करवाई, तो इनको थोड़ा सा डिफरेंशियल वे में ट्राई करेंगे। हालांकि ये बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, तो इनको ड्रॉप करना रिस्की रहेगा, तो हालांकि इनको जरूर ले गया। बाकी इराद अली को थोड़ा सा डिफरेंशियल वे में ट्राई करना है, अर्षद को लेने का कोई मतलब बनता नहीं, हमारे पास ऑलरेडी विकेट कीपिंग सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन है और अर्षद हमेशा के लिए नीचे से खेलते हैं, तो इनको लेने का कोई मतलब नहीं बनता। इमरान जावेद ने लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई, लेकिन ये भाई साहब भी बैटिंग से बॉलिंग से दोनों से तगड़ा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी सज्जाद मलुक आपकी टीम के अंदर डेफिनेटली रहने चाहिए, क्योंकि ये भाई साहब भी हर एक मैच के अंदर एक दो विकेट निकाल सकते हैं। बाकी बेंच की बात करो तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स में आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, तो जल्दी से जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। देखो इनका बेंच में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं दोनों ही टीम के पास, तो ऐसे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो ये चेंजेस वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऐसे यासिर कलीम हमारी टीम के अंदर रहेंगे। देखो अर्षद को लेने का कोई मतलब बनता नहीं, काफ़ी नीचे इनका बैटिंग ऑर्डर रहता है, और यासिर कलीम अभी रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में, इवन आप इनको चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऐसे संदीप सिंह रहेंगे, अली आबिद और ऐसे हमीद खान हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस इतना कुछ खास नहीं, हालांकि CP रिजवान और यहाँ से आशिफ मुमताज और गोपाल कृष्णन, ये तीनों अगर खेलते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए, भले बड़े प्लेयर्स को आप ड्रॉप करें, लेकिन ये तीनों प्लेयर्स आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए। बाकी बात करें यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन की तो ऐसे तौकीर रियासत, मोहम्मद नदीम और यहाँ से ऐश अली हमारी टीम के अंदर रहने वाले, और यहाँ से शाहनवाज खान भी हमारी टीम के अंदर रहने वाले, तो ये चारों प्लेयर्स को हम लेके जाएंगे। आई थिंक शायद आशिफ खान नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हालांकि ये चारों प्लेयर्स हमारी टीम के अंदर रहने चाहिए। बाकी बशीर अहमद अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली हमारी टीम के अंदर भी रहेंगे, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो। बाकी ये दोनों प्लेयर्स के ऊपर आपको रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि फैयाज अहमद तो खेले नहीं, लेकिन शाकिब महमूद के ऊपर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऐसे आसिफ मुमताज को मैंने लिया हुआ, देखो लास्ट मैच के अंदर ओवर्स तो नहीं की, लेकिन अगर ओवर्स करेंगे तो ऐसे 2-3 विकेट निकालेंगे, तो इनको इसके लिए मैंने लिया हुआ है। बाकी आप चाहे तो ऐसे फारूक मोहम्मद को ट्राई कर सकते हो, सज्जाद मलुक और ऐसे हैरी भरवाल तो है ही, इवन अताउल्ला इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना है, 5% सिलेक्शन है, लेकिन कभी भी ऐसे 2-3 विकेट निकाल सकता है। बाकी अभी के लिए टीम कुछ इस तरह से रहेगी, कैप्टन हमारे रहेंगे ऐसे मोहम्मद नदीम, और वाइस कैप्टन की बात करो तो अभी के लिए हमने तौकीर रियासत को वाइस कैप्टनशिप दी हुई है। ऑप्शंस की बात करते हैं ऐसे संदीप सिंह है,
यासिर कली में, इन दोनों प्लेयर्स को रिस्क ले सकते हो। और यहाँ से शाहबाज अली जो कि रिसेंटली काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये इनके इन प्लेयरों के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। बाकी अभी के लिए टीम कुछ इस तरह से रहेगी, लेकिन याद रहे डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी रिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपल आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैसेज के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छे विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।